जब देते हैं या आंखों ही आंखों में क्या इशारा करते हैं? नहीं, उठ के चले जाते हैं अगर शॉर्ट ओके तो, और अगर शॉर्ट ओके नहीं होता तो फिर लगे रहते हैं वन मोर। वाज इट एक्शन तो बहुत कमाल का है. दिस इज अ वेरी इंटरनेशनल स्टाइलाइज्ड लुक दैट वी सीन. यू यूज्ड अ वेपन एंड इट्स इन दिस केस अ सॉर्ड ओवर हियर. सम बिग थॉट प्रोसेस वेंट टू दिस. डिड यू एंजॉय दैट एंटायर प्रोसेस? आई नो दैट earlier, you know, you using fists in your other films. आप मुक्को के साथ बड़े काम करते थे. इसमें एक sword आ गया, so it's nice addition to it. Yeah, I think it's something new, something nice, and the kind of style Prabhu's given and you know presented all of us. I think it's been fabulous. I've always been telling him on the set that I think the way you've presented me, it's really fabulous. मैं ये आपसे बोलने वाला था, आप को मैंने आज काफी एक्साइटेड देखा था जब मैं आपके ऑफिस में मिला था कि when you were seeing the trailer, were you also very happy when you saw the trailer over there? I love the trailer. That's why I'm excited. Now there's a dance bit also, sir. Yeah. So when you meet Prabhu Deva, दुनिया आपसे सवाल तो करेगी ही. In your mind also, are you trying to open doors and saying जो ये बोलेंगे मैं वही करूंगा, या इनके बीच में कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे? नहीं, जो ये बोलेंगे वही करूंगा तो वो मैंने डिसाइड कर लिया था और मैं हमेशा ही करता हूँ वो. आज से मुझे लगता है 20-22 साल पहले आई थिंक प्रभु और मैं मिले थे. एक प्रभु वाज मस्ट बी 19 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई वाज 21 और समथिंग लाइक दिस. और मेरी दूसरी फिल्म थी वो, और हम बर्फ में एक गाना कर रहे थे. तो उस वक्त मस्ती मजाक बहुत होता था. तो वो गाना बहुत ही रोमांटिक था, उसमें कोई डांस वांस नहीं था, और ठंड में बर्फ में शिमला में हम लोग वो गाना कर रहे थे. और कौन सी पिक्चर के दौरान था सर ये फिल्म? जो कंप्लीट नहीं हुई एक्चुअली, सिंगर करके एक फिल्म थी ड्यू टू रीजंस. तो हम बार बार हर शॉट के बीच में प्रभु को जरा प्रभु डांसिंग शो ना, बिकॉज ही वाज फैबुलस एंड वी वर ऑल लाइक एंड ही वाज आल्सो एंजॉयिंग इट. तो ही वाज 19, ही वाज आल्सो डांसिंग. तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरा बदला प्रभु ने इस फिल्म में मेरे से ले लिया उसका, जो हमने प्रभु को नचाया. We're so used to seeing this fantastic version of yours. Yeh jo extra tadka aa gaya hai, wonderful there. So that, ladies and gentlemen, is the entire star cast. A big round of applause, and I'm just going to walk off stage and allow the photo ops, and then I'll open out to the media as well. Ek kaam karte pehle media kar le taki mic khadi aaye, fir photo op kar le, easy rahega. Okay, so then we'll open out to the media. I've got those two mics floating around, so if you all would just raise your hands. मेरा सवाल है अजय देवगन से. जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन. आप ना कमिटमेंट करते हो, ना अपॉइंटमेंट देते हो, डायरेक्ट पनिशमेंट करते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, अगर आप अपनी बीवी को ये लाइन बोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. ना कमिटमेंट, ना अपॉइंटमेंट, ओनली पनिशमेंट. क्या बाहर क्या करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा. फिल्म में देते हो डायलॉग. बहुत प्रॉब्लम हुआ. जैसे कि मैंने कहा कि प्रभु ने पूरा बदला लिया मुझसे, जो हम प्रभु के साथ हमने किया था 20 साल पहले. तो बट इट वाज फन. इट वाज मैंने इस बार प्रभु ने पहली बार लाइफ में मुझसे रिहर्सल भी कराई. मैंने आज तक लाइफ में डांस की रिहर्सल नहीं की. तो अब वो कितना अच्छा आया बुरा आया वो आप डिसाइड करेंगे. बट आई थिंक प्रभु इज ऑल्सो समबडी हु नोज के एक एक्टर का प्लस पॉइंट क्या है, तो उसको फुल पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो. तो अगर डांस में भी जो मैं कर सकता हूँ, आई थिंक प्रभु ने उसको एक नया एक तरीका दिया. प्रोमो से आपने डिसाइड कर लिया तो ये फिल्म देखिए, आप डिसाइड कीजिए. Yeah, I think the villain of the movie is a big actor from South, which I think Prabhu didn't want to reveal earlier. So he's from South. I think Prabhu will tell something about him. Yeah, he's from South, and his name is Anant Raj. Prabhu sir, my question is for you. Just one sec. We'll take the lady first, then we'll come to you. Yeah, here. Yeah. Prerna, sir, my question is for you, Prabhu sir. I want to ask, sir, here, center. Yeah.
So you've made Salman dance, you've made Akshay dance, you've made Shahid dance, and now Ajay. So I want to know ki, whom was it most difficult for you to teach dancing? What a stupid question, obviously me. Ajay, aapko kitna time laga dancing seekhne mein? No, actually we did all the song in 2.5 days, 3 days, no sir? Ah, yeah. But he's say very fast with songs. I think 3 days, 2.5 days, 3 days only. Yeah, we finished it. इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी क्योंकि वो कहानी मैं रिवील नहीं करना चाहता। अजय, there are three heroines in the film, so how did you balance yourself and how much did you enjoy? The more the better. You don't need to balance it. Gets balanced. Also, हमने सुना था टाइटल को लेके कुछ इश्यू है, तो could you tell us कि क्या exactly था? I don't think कोई इश्यू है। अगर इश्यू होता तो इस वक्त ये टाइटल नहीं होता। We had heard that किसी हॉलीवुड मूवी का टाइटल भी था एक्शन जैक्सन एंड उस वजह से इशू था। नहीं, उनको उनको ऐसा लगा था कि हमारी फिल्म उनकी फिल्म से मिलती जुलती है, जब उनको ये सब क्लैरिटी मिल गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रभुदेव, as everyone said कि you are very soft spoken and very low, तो ऐसे लगता है कि कहीं पर आपके आर्टिस्ट लोग ने आपका कोई एडवांटेज लिया होगा बिकॉज यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन? इज इट soft spoken? That is Prabhu Deva. So he's a hard taskmaster. Nobody can take advantage of him. Ajay sir, सामने आपके, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको दिवाली की, और हम लोगों ने जो ट्रेलर देखा वो बहुत ही जबरदस्त था उनका। और थैंक यू सो मच, आपको भी दिवाली की बधाई। जी अजय सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि एक्शन करते हुए हम लोगों ने आपको बहुत बार देखा हुआ है, और सबसे पहले तो जो दो बाइक पर आपने एक्शन किया था फूल और काटे में, तो वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। यहाँ भी एक्शन है, एक्शन की अगर परिभाषा में आपसे पूछूं तो कैसे डिफाइन करेंगे, और कभी एक्शन करते हुए डर लगता है आपको? देखिए, डर एक ऐसी चीज है जो अगर कोई कहे कि मुझे लगता ही नहीं तो वो झूठ होगा। कई बार आपको थोड़ा हेजिटेशन होता है, बट you are prepared for it also because इतने सारे लोग और इतने सारे स्पेशलिस्ट हैं जो कि यू नो आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि आप सेफ हैं, और अब डर कम लगता है क्योंकि जब हमने शुरू किया था तब तो ये सब था ही नहीं, तो इट्स बिकम लॉट मोर इजियर आई फील। और डिफाइन कैसे करेंगे एक्शन को? आई थिंक एक्शन कैन बी डिफाइंड इन वर्ड्स, एक्शन इज एक्शन, सो ऑफ कोर्स It was never delayed for release, and this was a perfect date this movie to release, because I think last year also we around this time only our film which was directed by him was released, and so this was a good date, so everybody decided together we should go ahead with this 5th of December, and that's what it. No, I think this is better. I would love to do that. Ask PK to move. Okay, Ajay ji, aapke left mein, yeah. मैंने ट्रेलर देखा, आपकी बॉडी देखी, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये 6-pack abs हैं या 8-pack? ये ना 6 है ना 8 है, अगर आपने 8 है, ये आपने देखा, ये जितना नेचुरल और रियल होता है उतना है। पैक्स आपको ज्यादा नजर नहीं आएंगे, बट एक रियल जो टफ बॉडी होती है, और वही प्रभु को चाहिए थी और वही हमने किया। जैसा कि मैं पोस्टर देख रहा हूँ कि टैटू है आपकी बॉडी पर, कुछ एब्स भी है मुझे थोड़ा दिखाई दे रहा है, गॉगल है, हाफ शर्ट है, तो कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं आप अपने आप को? शर्ट के या बिना शर्ट के आप पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल समझ में नहीं आया, मतलब कि बिना कपड़ों के मैं कंफर्टेबल? कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं आप, बिना कपड़ों के, टैटू के या एब्स के? कई जगहों पे बिना कपड़ों के कंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन सबके सामने कपड़े पहनने थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। I'm towards your right. Okay. Yeah. Hi. Since this is your debut film, how is it working with, you know, Prabhu sir, Ajay Devgan, Sonakshi, Yami, all of them? Okay. Sonakshi and Yami have been very nice. They've been very sweet, unlike what people would think. And it's fabulous what Prabhu sir does. He's very clear about what he wants. So as an actor, it's very nice to have somebody with such a clear vision. And Ajay sir, of course, he's a darling. Were you nervous?